टेट आज के इस वीडियो में हम लोग वायरल के आगे देखने जा रहे हैं, रहे हैं ना वायरल हमनेट तो, कर लिया था दो वीडियो में अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या प्रोटोजोन डिजीज ओके <coughs> तो प्रोटोजोन डिजीज क्या होते हैं जो प्रोटोज हुआ से फैलते हैं किलियर है ना जो प्रोटोज हुआ से फैलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम प्रोटोजोन तो डिजीज बोलते हैं सिंपल सा समझो अब इसमें जो सबसे पहला डिजीज पढ़ना है हमें वो क्या है मलेरिया मलेरिया सभी ने सुना होगा क्लियर है ना मलेरिया में फीवर होता है मलेरियल फीवर तो सुने होगा ना मलेरिया वाला बुखार क्लियर है ना तो यहाँ पे समझोगे मलेरिया जो होता है वो किससे होता है तो सबसे पहले देखो यहाँ एक प्रोटोजोअस होगा क्लियर है ना तो ये इसे हम क्या बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट जिसका नाम क्या है तो प्लाज्मोडियम अगर पूरे नाम की बात करो तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके होता है क्लियर है so, सो सबसे पहले याद रखना है कि मलेरिया किससे हो रहा है तो प्लाज्मोडियम से हो रहा है विच इज ए प्रोटोज हुआ क्लियर है ना विच इज या फिर इसे मलेरियल पैरासाइट बोल रहे हैं या फिर सिंपली तुम प्लाज्मोडियम बोलो क्लियर है ना पैरासाइट तो समझते हो ना जो होस्ट पे अपना जीवन व्यतीत करे क्लियर है और पता है प्लाज्मोडियम के केस में जो होता है एक वेक्टर भी होता है क्लियर है ना इट इज ए वेक्टर बॉन डिजीज देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है ये बेसिकली फैलता है कैसे है तो बाई बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो यहाँ पे जैसे एड्स के सॉरी डेंगू के केस में तुमने देखा था फीमेल एडस आया था क्लियर है ना तो वैसे ही यहाँ पे कौन आ रहा है फीमेल एनोफिलीज नाम जरूर याद रखना है तुम्हें नाम जरूर पूछा जाएगा क्लियर है ना तो यहाँ पे जो मलेरिया फैल रहा है वो फीमेल एनोफिलीज से फैल रहा है डेंगू जो फैल रहा था वो फीमेल एडस से फैल रहा था क्लियर है ना एक और बीमारी होता है तुम्हारा ब्रेन फीवर है uh, वो तुम्हें पढ़ना नहीं है लेकिन तो, कहीं लिख सकते है, तो, <coughs> तो देख, लि देख लिया यहाँ पे ये यह फैल किस तरह प्लाज्मोडियम से साथ साथ ये एक वेक्टरबॉन्ड डिजीज है और प्लाज्मोडियम क्या है तो इसके लिए पैथोजेन है बेसिकली इस मलेरिया के लिए ओके okay? और यहाँ पे ये यह जो है ना बेसिकली ये एक तरह से ड्यूल लाइफ अपना स्पेंड कर रहा है जो इसके लिए समझ लो प्राइमरी होस्ट हो गया तुम्हारा ये आ, क्या बोल रहे मॉस्क्यूटो लेकिन उसे इन्फेक्ट नहीं किया इसने और सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा ह्यूमन विंग्स क्लियर है ना क्योंकि जब मॉस्क्यूटो काटेगा ह्यूमन विंग्स को तो वहां पे वो बेसिकली प्लाज्मोडियम ट्रांसफर कर देगा ओके और इस तरीके से फिर उस ह्यूमन विंग में मलेरिया हो जाएगा इतना समझ में आया आपको चलो सिम्टम्स पे बात करते हैं कि अगर ये डिजीज हो गया

यानी कि क्या होगा फॉलोड बाई फीवर फीवर आने से पहले ना पेशेंट को बहुत ही जोर का ठंडा लगेगा में और उसका शरीर कांपने लगेगा मतलब वो कप कप आएगा ओके और उसके बाद जस्ट उसे हाई फीवर आएगा क्लियर है ना फिर कुछ समय बाद स्वेटिंग होगा यानी पसीना आएगा अचानक से और फिर फीवर चला जाएगा अरसमझ में सो तो ये एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तुम्हारा ये कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारे मलेरिया के केस का ओके

तो उस केस में वैसे रेयरली ही होता है है ना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है ये केस क्योंकि इससे पहले ही लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो इट मे कॉज इनलाजमेंट ऑफ अ स्प्लीन स्प्लीन बेसिकली एक लिम्फॉइड ऑर्गन है क्लियर है ना एंड लीवर साथ साथ स्प्लीन और लीवर का ये क्या कर सकता है तो इनलाजमेंट कर देता है ओके okay? तो इतना चीज समझ में आया आगे देखो प्रिवेंशन एंड क्योर यानी बचाव क्या करना है तो देखो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और वेक्टर कौन है मॉस्क्यूटो मॉस्कूटो वेक्टर एक और डिजीज तुमने पढ़ा था डेंगू किले रहना तो डेंगू में तुमने जितने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लगाए थे वो यहाँ भी चिपका दो किलेना जैसे देखो मैंने वही सब चीज लिखा है यूज ऑफ मॉस्क्यो नेट एंड रिपेलेंट्स डेंगू में भी पढ़ा था तुमने वायर गेजिंग ऑफ डोर एंड विंडोज डोर विंडोज को वायर गेजिंग करना था, चाहिए ताकि मच्छर ना आ जाए घर में है ना टे uh, नहीं, अच्छा नहीं? Stagnate. नहीं, नहीं होना चाहिए मतलब कि एक जगह पे ज्यादा दिन के लिए जमा नहीं होना चाहिए क्लियर है ना तो ये सब चीज तुमने डेंगू में भी पढ़ा था यहाँ भी सेम चीज है ओके सो ये हमारा मलेरिया हो गया इसके बाद जल्दी से इसे नोट करोगे फिर एक और दूसरे प्रोटोजोन डिजीज के साथ मिलते हैं ओके तो नोट कर लो इसे इसे इरेज कर देता हूं अब मैं तो यहां तक मलेरिया समझ गए आगे देखते हैं अब हम लोग तो देखोगे यहां पे हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है बेसिकली नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज है वो क्या है तो अमेवेश या फिर अमेविक डिसेंट्री क्लियर ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ का नाम देखते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ये किस प्रोटोजोआ से हो रहा है तो एंटामिट का हो रहा है इसे याद रखना है हमें ओके द नेक्स्ट इज इट इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ये कॉन्टामिनेटेड कॉन्टामिनेटेड तो अब तक समझ गए हो गया ना जिसमें कि बेसिकली तुम्हारा एक तरह से खराब हो चुका हो जिसमें पैथोजेंस वगैरह आ चुके हो के लिए ना सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड तो कॉन्टेमिनेटेड फूड या या फिर वॉटर से हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ ये हो गया तुम्हारा फूड एंड ये मैंने तुम्हें पीछे समझाया भी था बताया था ना एयर बोर्न फूड बॉर्न वॉटर बॉर्न बेसिकली इन सब चीजों से फैलने वाला बीमारी चलो सिम्टम्स पे देखते हैं सो so, सिम्टम्स में क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझोगे इसे इस केस में एक्यूट डायरिया होगा मीन्स डायरिया होगा लेकिन कम समय के लिए अब डायरिया तो समझते हो जिसमें बॉडी में क्या होता है बॉडी से स्टूल का लॉस होता है और स्टूल के साथ साथ ना वाटर मिनरल्स का बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है तो शरीर में मतलब एक तरह से पानी की कमी हो जाती है तो फिर जैसे ही डॉक्टर के पास जा, जाओगे डायरिया वगैरह के केस में तो क्या होगा सबसे पहले सलाइन चढ़ाता है क्लियर है ना तो इन सब के बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है ओके okay? एंड अपियर ऑफ म्यूकस मेन इधर पॉइंट पे ध्यान देना होगा म्यूकस के अपेयर क्या होता है? एक sticky substance होता है समझ लो एक अस्टीकी फ्लूड समझ लो है ना एक अस्टिकी लिक्विड होता है जो कि तुम्हारे स्टूल में देखने को मिलेगा ओके तो डायरिया के, डायरिया का केस देखने को मिलेगा और साथ साथ स्टूल में म्यूकस देखने को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट इज पेन पेन एबडोम समझते हो ना ये पेट क्लियर है तो पेशेंट क्या होगा हमेशा इस तरह से पेट को दबाए रखेगा मतलब उसे हमेशा पेन करता रहेगा पेट ओके okay? आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्सर हो जाएगा इंटेस्टाइन में अल्सर क्या होते हैं भाई अल्सर बेसिकली तुम समझ लो छोटे से इंफेक्शन टाइप के हो जाते हैं फूंसी टाइप के बेसिकली हो जाते हैं तुम्हारे इंटेस्टाइनल वॉल में ओके सो so, पे तुम्हें अल्सर से फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं इंटेस्टाइन में ओके चलो अब देख लेते हैं जरा प्रिवेंशन क्लियर है तो प्रिवेंशन देखो अब तक तो तुम इतना पढ़ चुके हो ना कि प्रिवेंशन वगैरह नहीं भी बताओ तब भी चलेगा क्योंकि देखो तुम्हें बस सीधा सा देखना है कैसे फैल रहा है फूड एंड वाटर से तो बस यहीं से तुम प्रिवेंशन खुद से बना सकते हो देखो प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी में फूड एंड वाटर है तो साफ सफाई रखोगे क्लियर है ना सिंपल सा बात है आगे वेजिटेबल फ्रूट्स होंगे प्रपरली वॉस्ट बिफोर इटिंग खाने से पहले उसे सही तरीके से धोना होगा क्लियर है ना एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है पेशेंट को इस केस में ताकि उसे क्षणिक आराम मिल सके क्लियर है तो ये तुम्हारे हो गए हैं प्रोटोजुआ वाले डिजीज प्रोटोजुआ में बस दो ही पढ़ना था क्लियर है ना इसके बाद देखते हैं अब एक हेलमिथ से होने वाला डिजीज क्लियर है तो हेलमिंथल डिजीज देखते हैं जिसमें तुम्हारा फाइलेरिया पढ़ना है तो इसे जल्दी से नोट करो फिर मैं फाइलेरिया देखता हूँ इसे इरेज कर देता हूं मैं अब देखोगे पे हमारा नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डिजीज है वो बेसिकली डिजीज़ बाय को तुम चाहो तो वॉर्म भी बोल सकते हो क्लियर है ना अब देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे डिजीज और सबसे लास्ट है क्लियर है ना एक ही पढ़ना है हमें क्लियर है so, सो यहाँ पे देखो

ये भी बेसिकली एक वेक्टर बॉन्ड डिजीज है क्योंकि इट इज स्प्रेड बाय वाइटिंग ऑफ एडस एंड क्यूलेट्स एलस तुम्हारा एडस तुम्हारा डेंगू का भी था वेक्टर क्लियर है ना तो इसे तुम बोल सकते हो ना वेक्टर बॉन्ड डिजीज ये क्या हो गया तुम्हारा तो एक वेक्टर बॉन्ड डिजीज हो गया क्लियर है आगे देखो सिम्टम्स क्या होंगे सो so, फीवर तो होगा ही होगा साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो तुम्हारा ये है क्या है तो स्वेलिंग इन एलिफेंट मतलब कि पैर में सूजन हो जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि वो इंसान का पैर नहीं है वो अब किसी हाथी का पैर है मतलब कि मोटा हो जाएगा पूरा सूज के है ना इसीलिए पता है इसीलिए इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं हम दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियसिस ये नाम भी याद रखोगे तो फाइलेरिएसिस बोलो या फाइलेरिया बोलो या फिर एलिफेंटियसिस बोलो सारे के सारे सेम ही टर्म है ओके अब यहाँ पे देखो प्रिवेंशन प्रिवेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे तुम लोग ऑलरेडी से पढ़ लो जल्दी से है ना क्योंकि फिर से यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज है तो जो डेंगू में तुमने पढ़ा जो मलेरिया में तुमने पढ़ा वही रिपीट होने वाला है देख लो वायर गेजिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज यूज ऑफ मॉस्क्यो नेट एंड रिपेलेंट अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ केरोसिन इन डीचेस डीचेस समझ ना जो गड्ढा वगैरह हो जाता है कहीं पे जहाँ पे पानी जमा हो जाता है ना Uh, तो okay? so, खत्म हो गया है ना इसके बाद अब बस एक दो डिजीज और बचे हैं जो की फंगल डिजीज है बेसिकली जिसमें बेसिकली तुम्हारे यहां स्किन इन्फेक्शन होते हैं रिंग वॉम होते हैं ये सब चीजें होती है तो उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं और फिर आज का सेशन यही पे बेसिकली मतलब पे नहीं थोड़े समय बाद खत्म करते हैं तो इसे जल्दी से नोट करोगे फिर हम देखते हैं यहाँ पे तुम्हारे फंगल या फंगल डिजीज़ ओके तो इसे इरेज कर देता हूं अब मैं अब हम लोग क्या देखेंगे तो फंगल देखेंगे है ना यानी फंगस से होने वाले फंगी से होने वाले डिजीज ओके okay? अब देखोगे यहाँ पे आज के से वीडियो का ये लास्ट सेक्शन है हमारा दैट इज फंगल डिजीज क्लियर है ना ये फिफ्थ है हमारा शायद है ना फिफ्थ पोर्शन है हमने देखो बैक्टीरियल पढ़ लिया वायरल पढ़ लिया प्रोटोजोआ पढ़ लिया हेलमिंथ पढ़ लिया और ये लास्ट है हमारा फंगल मैंने पांच लिखवाया था तो ये लास्ट है क्लियर है ना हमने करीब दस बारह डिजीज पढ़ ही लिए होंगे क्लियर है सो so, यहाँ पे फंगल डिजीज में देखोगे और एक चीज और बता देता हूँ ये सब जो लास्ट ही है क्योंकि इसके बाद अब बेसिकली एक या दो वीडियो मैक्सिमम आएगा ठीक है ना तो उसके बाद ये चैप्टर पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद हमें बेसिकली पढ़ना है तुम्हारे ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है वो क्लियर है ना और साथ साथ एक इम्यूनिटी पे मैं एक आ, मतलब अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ओके क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो जरूरी भी है क्योंकि बुक में ना बहुत ही मतलब थोड़ा सा दे रखा इम्यूनिटी के बारे में। उसे में देखो, दो पढ़ने हैं हमें सबसे पहला क्या पढ़ना है स्किन इन्फेक्शन जो कि कॉमन फंगल डिजीज है और दूसरा क्या पढ़ना है रिंग वॉर्म है ओके सो स्किन इन्फेक्शन में देखो क्या होगा अच्छा एक मिनट पहले समझ लो कि जो फंगल डिजीज है ना वो बेसिकली फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही होने वाले हैं फंगस के बारे में जानते हो ना कि फंगस जो है वो बेसिकली उसका ब, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे तुम्हारे स्पोर फॉर्मेशन होते हैं फंगल में रिप्रोडक्शन के लिए और उसके स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में ऐसे फैल जाते हैं और जहाँ पे भी उसे न्यूट्रिशन मिलता है वहाँ पे वो ग्रो कर जाता है क्लियर है ना फंगस का यही तो नियम होता है रिप्रोडक्शन का तो इसीलिए समझो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इस रूम में भी फंगस होगा ही होगा कन्फर्म है कि होगा क्लियर है तो यहाँ पे भी फंगस होगा लेकिन वहाँ ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि उसे मीडियम नहीं मिल रहा है अगर इसे थोड़ा सा टेम्परेचर मिले थोड़ा मॉइस्चर मिले और थोड़ा खाने के लिए सामान मिल जाए दैट इज न्यूट्रिय मिल जाए ओके सो यहाँ पे भी वो ग्रो कर जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर कहीं पे आटा गुँथ के छोड़ दो या फिर ब्रेड छोड़ दो कहीं पे तो एक से दो दिनों तीन दिनों में वह फंगस लग जाता है हरा हरा लग जाता है ना कुछ दैट इज फंगस बेसिकली तुम्हें पता होगा सो फंगल डिजीज में बेसिकली आते हैं तुम्हारे स्किन इन्फेक्शन जो फैलता कैसे है तो फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैलता है Symptoms देख लो इचिंग हो सकता है रेडनेस स्किन रेड सा हो जाएगा ओके okay? और साथ साथ जहां पे भी होगा स्वेलिंग्स हो जाएंगे ओके okay? तो स्वेलिंग तो बेसिकली रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का वो इम्यून सिस्टम में मैं बढ़ा दूंगा ओके okay? लेकिन अभी आगे समझो रिंग वोम के केस में क्या होता है ये भी तुम्हारे फिजिकल कॉन्टेक्ट से फैल रहा है या फिर क्लॉथ्स वगैरह शेयर करने से क्लियर है ना ऑब्जेक्ट शेयर करने से भी फैल सकता है Even पता है फंगल डिजीज ना ऐसे भी फैल सकता है कि ये है है मैंने ऐसे टच करा अगर मुझे fungal infection है, तो यहाँ पेक्शन तो हो जाना है उसे क्लियर है ना अगर किसी ने दरवाजे का हैंडल खोला क्लियर है अब वहां हैंडल पे लग गया है इन्फेक्शन जो भी पैथोजन है फंगस बेसिकली अब किसी दूसरे ने उस दरवाजे को खोला या लगाया उसे भी हो सकता है तो फंगल डिजीज इस तरीके से भी फैल जाता है ओके okay? क्योंकि ऑब्जेक्ट की एक तरह से यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉन्टेक्ट बन रहा है फिजिकल कॉन्टेक्ट ही तो बन रहा है इनडायरेक्ट वे में क्लियर है यहाँ पे याद ये रखना है के केस में इचिंग होता है एक इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि सिर ऑफ राउंडेड उड यानी कि गोलाकार जैसे क्या होंगे घाव जैसे हो जाएंगे क्लियर है ना और साथ साथ उसमें क्या होगा बर्निंग सेंसेशन यानी उसमें जलन सा होगा उस जो पार्टिकुलर उड होगा राउंडेड उड़ उनमें क्या होगा बर्निंग सेंसेशन होगा ओके okay? अब देखो प्रिवेंशन देख लेते हैं फ्रॉम फ्रॉम प्रिवेंशन फंगल डिजीज यानी फंगल डिजीज से बचने का क्या तरीका है तो सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका यह है कि कीप किल्फ अवे फ्रॉम पर्सन दैट इज डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी भी तरह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मत बनाओ उस इंफेक्टेड पर्सन से साथ ही साथ इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर क्लॉथ शेयर नहीं करना है यानी कि अगर जैसे घर में कोई टॉवेल यूज कर रहा है तो हर इंसान का एक सेपरेट टॉवल होना चाहिए और होता भी है नॉर्मली है ना लेकिन यहाँ तो गरीबी में क्या होते हैं एक में ही सारे है ना लगे रहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए उससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस तुम समझ सकते हो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा यहाँ पे तो इतना ही रखते हैं एक या दो वीडियो और बचा है हमारा इस चैप्टर में उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर चलो ठीक है बाय टेक केयर